Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Deven Kumar Tiwari. Today I will teach you class 6th English Literature chapter 8 story. So that let us start to study this story. Candy Jane and Professor Google. Myths are stories based on tradition or legend. Myths means जो पौराणिक कथाएँ होती हैं. आर स्टोरीज ऐसी कहानियाँ होती हैं जो बेस्ड ऑन ट्रेडिशन आर रिलीजन, जो उपाख्यानों पर या परंपराओं पर आधारित होती है. मिथ मिथ्स आर टेल्स विच इज डिपेंड ऑन सिस्टम्स ट्रेडिशन आर एनेक्डोट्स. दे डिस्क्राइब्स एन इवेंट्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स आर एडवेंचरस ऑफ हीरोज गॉड्स एंड गॉडेसेस. दे डिस्क्राइब दे मीन्स द मिथ स्टोरीज डिस्क्राइब्ड एक्सप्लेन An event, event means incident from ancient times, of adventures of heroes and gods and goddess. ये जो कहानियाँ होती हैं वो प्राचीन काल के समय की heroes means hero means हीरो को हीरो के gods means देवताओं के और goddess means देवियों के देवी देवताओं के adventures adventures means साहसिक कार्यों का उल्लेख करता है. दिस मिथ्स स्टोरीज आर एक्सप्लेन एक्सप्लेन द एडवेंचरस ग्रेट टास्क ऑफ हीरोज गॉड्स एंड गॉडेस. मिथ्स थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटीज मिथ्स थ्रो लाइट ऑन समथिंग मीन्स मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड. इसके द्वारा हम समझते हैं द सोसाइटीज समाज सोसाइटीज मीन्स समाज को लाइफ जीवन को एंड बिलीफ मीन्स विश्वास भावनाएँ आप ओल्ड टाइम पुराने समय के प्राचीन काल के समाज लोगों की जीवन शैली और लोगों का क्या विश्वास देवताओं के प्रति या लोगों के प्रति होता था इन सब चीज़ों को हम इसके द्वारा जानते हैं. वी नो अबाउट द कंडीशन ऑफ सोसाइटी लाइफ्स एंड बिलीफ्स ऑफ एंशियंट टाइम्स. ग्रीक मैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मैथोलॉजीज. ग्रीक मैथोलॉजी जो ग्रीक की जो मैथोलॉजी है पौराणिक कथाएं हैं वन ऑफ द मोस्ट मीन्स अधिक एडमायर्ड मीन्स उनकी प्रेज की गई प्रशंसा की गई मैथोलॉजीज़ कई मैथोलॉजी पौराणिक कथाओं में कई पौराणिक कथाओं में ग्रीक पौराणिक कथाओं की काफ़ी बढ़ा चढ़ा के व्याख्या की गई. इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचरस एज वेल एज हिस्ट्री. It is full of, it means the Greek mythology is full of adventurous great tasks as well as history. Many popular phrases in today's language come from Greek mythology. बहुत से जो लोकप्रिय phrases हैं कहावतें हैं हाँ phrases हैं in today's language आज की भाषाओं में come from Greek जो कि ग्रीक भाषा से आया है माइथोलॉजी से आया है पौराणिक कथाओं से आया है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल. यह कहानी एक छोटी लड़की कैंडी जेन के बारे में हु डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी जो ग्रीक पौराणिक कथाओं के संसार को खोजती है. आफ्टर हर फादर्स कंपेयर्ड हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिथिकल कैरेक्टर और उसके पिता उसे एक पौराणिक चरित्र के रूप में उसकी क्या करते हैं तुलना करते हैं. एंड आफ्टर हर फादर कंपेयर्ड हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिथिकल कैरेक्टर. लिटिल कैंडी जेन वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11. इट मीन्स लिटिल कैंडी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. सी वॉज वेरी ईगर कैरेक्टर. सी वॉन्ट्स टू नो न्यू एनी थिंग्स. सी ऑलवेज गॉट इन टू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल्स. सी ऑलवेज गो इन टू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल्स. सी लव टू आस्क क्वेश्चन. वह प्रश्न पूछना पसंद करती थी. एंड आस्क देम सो ऑफन दैट एवरी वन गो टायर्ड ऑफ हर. वह इतना प्रश्न पूछती थी कि उससे लोग थक जाया करते थे. यानी कि कैंडी आस्क्ड अ मेनी क्वेश्चन सो दैट एवरीबडी गॉट वेरी टायर्ड ऑफ हर. कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर्स हु वॉज अ ग्रे गार्डनर. कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर. कैंडी के पास एक उसका ओल्ड मीन्स बूढ़ा नेबर मीन्स पड़ोसी था हु वॉज अ गार्डनर
जो कि एक माली था। कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर हु वाज वर्किंग एज अ गार्डनर, बट एवरी वन कॉल्ड हिम प्रोफेसर गूगल बिकॉज ही लव टू रीड। लेकिन सभी लोग उसे स्नेह से प्रोफेसर कहते थे, प्रोफेसर गूगल कहते थे, क्योंकि ही लव्ड टू रीड, क्योंकि वह लिखना पढ़ना बहुत पसंद करता था, एवरीबडी नियर कैंडी जेन्स हाउस नो दैट अ गार्डन एंड सेड हिम एज अ प्रोफेसर गूगल बिकॉज ही वॉज लव्ड टू मच टू रीड द बुक्स। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कूड आंसर ऑल ऑफ कैंडीज क्वेश्चन। He was the only person who could answer all of Candy Jane's question. वह अकेला व्यक्ति था जो कैंडी जेन के सभी प्रश्न का उत्तर देता था। It means Professor Google answered all the question of Little Candy Jane. Little Candy Jane के सभी प्रश्नों का वो उत्तर देते थे। One day Jane's father said to her. एक दिन जेन के फादर ने उससे बोले, वन डे कैंडी जेन्स फादर सेड टू हर, कैंडी जेन यू आर अ पैंडोरास बॉक्स, आई नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। वन डे कैंडी जेन्स फादर टोल्ड हर दैट कैंडी जेन सी वाज अ पैंडोरास बॉक्स, आई नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, आई डोंट नो What would you do the next time? आप क्या करोगी इस चीज़ को मैं नहीं जानता। Curious Candy Jane looked up at her father and said, curious means eager, Candy excited, Candy saw up at her father and said, but father I am neither Pandora nor a box. Her father roared, confused, Candy Jane ran out to see Professor Google, who was reading in the garden. When Candy Jane's father asked him Pandora's box, in the answer of her father's, Candy said that she was neither Pandora nor a box. At this, her father was roaring, made a loud noise. He was shouting. And confused, Candy Jane ran to see Professor Google. Candy Jane ran towards Mr. Professor Google, who was reading in the garden. She went so very fast near Professor Google, who was reading a book in his garden. वो दौड़ती हुई प्रोफेसर गूगल के पास जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर अपनी किताब पढ़ रहे होते हैं। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन, एंड द नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।